विजेता की रसोई में विजेता की ओर से आप सभी का स्वागत है। आज चलिए हम बनाएंगे ठेले वाली भेलपुड़ी। बहुतों ने खाई होगी कॉलेज टाइम में, स्कूल टाइम में या एनी टाइम। उसी याद को करते हैं ताजा और बनाते हैं ठेले वाली ये भेलपुड़ी। तो फटाफट पहले हम तैयार कर लेते हैं हरी चटनी, थोड़ी सी हरी मिर्च और इसमें डालेंगे लहसुन की कुछ कलियाँ। लहसुन खाते हैं तो डालिए, नहीं तो आप इसे छोड़ भी सकते हैं। और डालेंगे हम खूब सारा हरा धनिया। धनिया को पहले धो लिया हुआ है। अब जरा सा इसमें डालिए आप आम का अचार, वो भी बिना गुठली के। सीजन में अचार को तैयार कर लीजिए बिना गुठलियों का और इसे चटनी वगैरह में डालिए और फिर देखिए चटनी का स्वाद। एक बार आप ऐसे चटनी बना के देखें। इसमें हम डालेंगे नमक और साथ में जरा सा पानी। हर बार आप ऐसी ही चटनी बनाएंगे, इतनी टेस्टी ये बनती है। और इसे हम मिक्सी कर लेंगे। जितनी आपको पतली गाढ़ी रखनी है आप अपने मेजरमेंट से रख लें। चटनी हमारी बन करके हो गई है तैयार। ऐसी चटनी किसी भी खाने के साथ आप खाएं इस चटनी को। और अब बैठाते हैं एक कढ़ाई, इसमें डालेंगे बिल्कुल जरा सा ही तेल। और इसमें मैं डाल रही हूँ मूंगफली के दाने, एक कटोरी है मूंगफली के दाने। इसे बस थोड़ी देर के लिए हमें भुनना है। प्रोसेस अलग अलग है लेकिन टाइमिंग बहुत ज़्यादा नहीं लगने वाली है। भाई ठेले वाली की है तो थोड़ी सी तैयारी तो करनी पड़ेगी। मूंगफली को निकाल के ताजे हरे मटर, मटर का सीजन इन दिनों काफ़ी ज़ोरों पे है तो ले आइए मटर। इसे भी हम फ्राई कर लेंगे। थोड़ी देर के लिए मैं इसे ढक देती हूँ जिससे मटर हमारा बिल्कुल सॉफ्ट सा हो जाएगा। और जिस तरीके से हम मटर को फ्राई कर रहे हैं आप सिंपली ऐसे ही मटर को फ्राई करें। इसमें जीरा हरी मिर्च को डाल के और इसे आप नींबू हरी मिर्च और हरे प्याज को डाल के जब खाएंगे ये भी एक बहुत ही अच्छा नाश्ता होता है सिर्फ मटर का। मटर हमारा सॉफ्ट हो चुका है, बहुत ज़्यादा मटर को नहीं पकाना है हमें, हल्की सी सॉफ्ट हो जाए। इसका कलर भी जो है वो चेंज हो गया, हम इसे निकाल लेते हैं। आप इस मटर को ऐसे ही जब खाएंगे ये अपने आप में एक बहुत ही बेहतरीन नाश्ता है। मटर को फ्राई करके ज़रा सा तेल डाल के आप मटर को फ्राई करें, इसे भी खाएं। और यहाँ पे आ गए हमारा मेन इंग्रेडिएंट्स मुरमुरे। मुरमुरे को ले आइए लेकिन मुरमुरे सिले ना हो इसका हमें ध्यान रखना होगा। सर्दियों में मुरमुरे जो हैं थोड़े से अगर सिल जाते हैं, ओवन है तो ओवन में आप माइक्रोवेव कर लीजिए 15-20 सेकंड के लिए या गर्म कढ़ाई में आप उसे डाल दें, सीलन उसकी ख़त्म हो जाती है। अब हम लेंगे एक प्लेट में मुरमुरे, उसमें डाला मूंगफली, साथ में हरे मटर। इनकी क्वांटिटी आपको जितनी कम या ज़्यादा करनी है आप कर ले अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। बॉयल्ड आलू, उबले आलू, ठेले वाले आलू ज़रूर डालते हैं। जो एक्चुअल होती है भेलपुड़ी हल्की सी वो गीली होती है, आपने खाया होगा गीली गीली सी होती है वो। उसके लिए वाइल्ड आलू डाल रही हूँ, साथ में कच्चा प्याज बिल्कुल बारीक करके प्याज हमें डालना है। चाट मसाला अपने टेस्ट के हिसाब से हम डालेंगे, भुना हुआ जीरा, नमक, काला नमक। और इसमें हम डालेंगे अब हरी चटनी। आपको अगर स्पाइसी बनानी है, तीखी खानी है तो आप मिर्च को ज़्यादा डाल के चटनी पीस लें। साथ में मैं डाल रही हूँ सौंठ, मीठी चटनी। ये मैं बना के रख लेती हूँ किसी भी खाने में, दही बड़े बनाओ या कोई समोसे, कोई भी नमकीन अच्छी लगती है। इसकी रेसिपी मैं बहुत जल्द लेकर के आऊँगी, बना के रखी हुई है ये टेस्टी सी, ये महीनों चलती है, ख़राब नहीं होती। अगर आपके पास चटनी नहीं है तो इसकी जगह आप टोमेटो सॉस को डाल सकते हैं, थोड़ा सा हरा धनिया और इसके ऊपर कोई भी अब नमकीन, नमकीन भुजिया जो आती है वो, या आप चाहें तो पोहे को फ्राई करके, पोहा जिसे हम चूड़ा भी कहते हैं, चूड़ा, उसे भी आप फ्राई करके डाल सकते हैं। और नींबू का रस बिल्कुल आखिर में, लेमन जूस आधा डाल रही हूँ मैं एक बाउल में। इसे अब हम करेंगे मिक्स और बिना रुके अब इसे होता है खाना। आप इसे बहुत देर अगर छोड़ेंगे ये बिल्कुल सिल जाएगी। जितनी चटपटी आपको बनानी है उतने आप इसमें नमक, मिर्च, मसाले की मात्रा बढ़ा लें। आप चाहें तो इसमें मिर्च पाउडर भी ऊपर से डाल सकते हैं, उतनी ही ये थोड़ी यमी बन के होगी तैयार। तो नमक, मिर्च, मसाले तो अपने मेजरमेंट से डालना होगा। जो हम कहते रहते हैं भैया थोड़ा नमक डालना, भैया थोड़ी मिर्च डालना, वो काम हमें खुद ही करनी है। इन सर्दियों के मौसम में शाम के समय आप बनाएं इस नाश्ते को, मज़ेदार नाश्ते को, और भर पेट भी खाएं इसे। इससे ना होगा कोई नुकसान, बिल्कुल चटपटा सा मज़ेदार ये नाश्ता।
अब ऊपर से भी थोड़े से और डाल दे रही हूँ मैं एक्स्ट्रा मूंगफली और थोड़ी सी ही जो है नमकीन। तो बस बनाना है बहुत ही आसान मज़ेदार सा ये नाश्ता, बनाएं इसे एनी टाइम और इन्जॉय करें। और चलिए अभी तो हम ठेले वाले के पास पहुँचे नहीं हैं, कोई भी लीजिए एक पेपर, वाइट पेपर नहीं तो हल्की सी भी जो हो मोटी पेपर वो चलेगी, न्यूज़पेपर काफ़ी हो जाती है पतली, और उसे हम आकार दे देंगे एक दोने का। जैसे ठेले वाले देते हैं वैसे ही लेते हैं एक पेपर और उसे हम देते हैं दोने का आकार, और उसके अंदर अब हम भर लेते हैं अपने इन मुरमुरों को। बच्चों को जब ऐसे देंगे या किसी भी फैमिली मेम्बर को, खाने का स्वाद और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा, याद आ जाएगी स्ट्रीट फूड की। बनाएं, इंजॉय करें, खाएं, खिलाएं, फिर मिलते हैं अगली बार। तब तक के लिए सर्दियों को इंजॉय करें, टेस्टी टेस्टी से रेसिपी बनाएं, खाएं। टिल देन बाय बाय एंड थैंक यू।